है गाइस वेलकम बैक टू द चैनल कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस डिजिटल क्लॉक को बनाया था लेकिन इस वीडियो में आपको यह ट्रांसपेरेंट डिजिटल क्लॉक बनाने बताऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में तो आइए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले एम बोर्ड लेना है या तो फिर प्लाईवुड और उसमें कुछ इस तरह से ड्रिल करके ढांचा बना लेना है उसके बाद डिजिट में हमें एलईडी को लगा लेना है फिर 20 गेज के कॉपर वायर को लेना है और उसके पेंटेड कलर को रिमूव कर लेना है उसके बाद गाइस हमें कनेक्ट कर देना है सभी एलईडीज के पॉजिटिव को एक साथ में और कुछ उसी तरह से दूसरे डिजिट में भी हमें LEDs को लगा लेना है और एलई के कैथोड्स को हमें चार चार के पैर में कनेक्ट करना है अब हमें चार डॉट एलईडी को पैरल में कनेक्ट करके भी लगा लेना है नेक्स्ट में गायज हमें सिगमेंट्स के वायर को भी कनेक्ट करना है सिगमेंट ए बी सी डी ई एफ और जी यहाँ पर मैं इन सारे सिगमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए 20 गेज के कॉपर वायर को यूज कर रहा हूँ इसकी वायरिंग अभी सही से समझ में नहीं आ रही होगी बस कुछ सेकंड वेट कीजिए मैं एनिमेशन के मदद से समझाने वाला हूँ नेक्स्ट में हमें चार कॉपर के वायर्स लेने हैं कुछ इस तरह के और उसे हमें सोल्डर कर देने हैं चारों डिजिट के एनोड वाले पॉइंट में कुछ और हमें ट्वेंटी गेज के कॉपर वायर्स को लेने हैं और उसे हमें सोल्डर कर देना है डॉट एल के एनोड और कैथोड में उसके बाद गाइज हमें सिगमेंट्स में भी कनेक्ट करके बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरह से सिगमेंट्स का जो आउटपुट आएगा वो आप ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे कौन सा आउटपुट है और कॉपर वायर के कलर को वहीं पे रिमूव करना जहाँ पे आपको जरूरत होगा नहीं तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है यह डिजिटल क्लॉक बन हमारा रेडियो हो चुका है और इसके सिगमेंट्स के वायर में मैं ग्लू स्टिक से चिपका देता हूँ थोड़ा थोड़ा ताकि यह उखड़े ना सिगमेंट्स वाले कॉपर वायर के आउटपुट में हमें कुछ इस तरह से कलर को उखाड़ लेना है ताकि हम सोलर करेंगे बाद में वहां पे। आइए अब हम एनिमेशन के मदद से समझ लेते हैं कि कैसे मैंने इन सारे LEDs को इसमें अरेंज किया हुआ है तो यहाँ पर देखिए, ये है एक एल जिसका एनोड इस साइड है और कैथोड इस साइड है यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इस एल का ये वाला है और नेगेटिव ये वाला है तो गाइज यहाँ पर देखिए एक एलई यह बन गया और इसी को अगर चार एल को इस तरह से अगर रख दिया जाए तो ये हमारा एक सीगमेंट बन जाएगा इसका अगर नाम दे तो ये नाम देता हूं मैं उसी तरह से बी सिगमेंट बन जाएगा उसी तरह से सी सिगमेंट भी बन जाएगा डी ई एफ और जी सीगमेंट बन जाएगा और ये टोटल सेवन सिगमेंट बन गए गाइज और इसी तरह से मैंने इस बोर्ड में एलईडीज़ को इंसर्ट किया अब यहां पर सभी एलईडीज़ के पॉजिटिव यानी कि एनोड को एक साथ कनेक्ट कर देना है जो कि कॉमन एनोड बन जाएगा उसके बाद में से चार चार एलईडी के कैथोड लेग यानी कि नेगेटिव लेग्स को कनेक्ट करना है उसके बाद ये बन जाएगा एक डिजिट के लिए गज उसी तरह से सेम प्रोसेस से हमें दूसरे डिजिट के लिए भी बनाना है और तीसरे डिजिट के लिए भी और चौथे डिजिट के लिए भी तो ये चारों डिजिट बन गया हमारा कुछ इस तरह से अब आइए देखते हैं डॉट एलईडी का तो डॉट एलईडी में हमें कुछ नहीं करना दो एलईडी ऊपर लगाना है और दो एलईडी नीचे उसके बाद इन चारों एलईडी के वायर्स को हमें पैरल में कनेक्ट कर देना है मतलब कि चार एलईडी के पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट करना है और चार एलईडी के नेगेटिव को एक साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ से एक आउटपुट आ जाएगा हमारा एनोड और दूसरा आउटपुट जाएगा कैथोड तो गाइज यहां पर मैं डॉट एलईडी को हटा दिया हूं ताकि जो अभी हम लोग वायरिंग करने जा रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस ना हो तो यहां पर अब हमें क्या करना है जो डिजिट वन का सीगमेंट ये का कैथोड है उसे कनेक्ट करना है डिजिट टू के सिगमेंट ये के कैथोड के साथ फिर जो डिजिट थर्ड है उसके सिगमेंट ये कैथोड के, के साथ कनेक्ट करना है और फिर उसी तरह से डिजिट फोर के सीगमेंट ए के कैथोड के साथ कनेक्ट करना है मतलब कि ये जो चारों डिजिट है उसके सिगमेंट ये कैथोड को एक साथ कनेक्ट करना है कुछ उसी तरह से सिगमेंट बी के सारे कैथोड को एक साथ सोल्डर करना है और सेम प्रोसेस से सेगमेंट सी भी हो जाएगा सिगमेंट डी ई एफ और Altyazı <laughs> जी के कैथोड को एक साथ हमें कनेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से उसके बाद ये देखिए सेवन सीगमेंट का सेवन वायर्स निकल गया ये बी सी डी ई एफ और जी अब गाय कॉमन एनोड के वायर्स को कनेक्ट करना है तो ये एनोड वन का वायर हो गया एनोड टू का कुछ इसी प्रकार से आउटपुट आ जाएगा एनोड थ्री का आउटपुट आ जाएगा और एनोड फोर का वायर्स इस प्रकार से आउटपुट आ गया और ये चार वायर्स इधर से बाहर आ गए तो जिस प्रकार से मैं इस सिमेट्रिक डायग्राम में आप लोगों को बताया वायर्स को कनेक्ट करना उसी प्रकार से हमें बोर्ड में भी कनेक्ट करना है लेकिन गाइज आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं ए बी सी डी ई एफ जी फ्रंट साइड से बताया हूँ जस्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस बोर्ड में हम इसके ऑपोजिट साइड से वायर्स को कनेक्ट करने वाले हैं तो यहाँ पर सिगमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से इस डिजिटल क्लॉक में मैंने वायर्स को कनेक्ट किया है अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो आपको डिटेल में पार्ट वन पार्ट टू करके मिल जाएगी अब इन सारे एलई को मैं बाहर निकाल लेता हूँ इस

फ्रेम से बाहर निकालने के बाद देखिए यह कितना सुंदर लग रहा है अब हमें इस डिजिटल क्लॉक के सारे सिगमेंट्स को भी चेक कर लेना है एक एक करके सारी एलईडिया ग्लो कर रही है कि नहीं उसके बाद गाइज मैंने थ्री प्रिंटर से एक बॉक्स को प्रिंट किया और थ्री डिजाइन मैंने खुद से किया हुआ है इसका बहुत ही बढ़िया सारे स्विचेज का और इसके जो सीगमेंट्स के वायर अंदर जाएंगे वो सारी चीजों का मैंने एकदम बारीकी से खुद से डिजाइन किया हुआ है इसके एस फाइल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो और नहीं तो आप इसका बॉक्स पीवीसी पाइप से बना सकते हो अब मैं इसके कवर में सारे स्विचेस को लगा देता हूं और इसके वायर्स को कनेक्ट कर लेता हूं। गैज वायरिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा वहां पे सारे फाइल्स आपको मिल जाएंगे सारे सर्किट डायग्राम मिल जाएंगे और नहीं तो डिटेल में आपको इस डिजिटल क्लॉक को समझना है तो उसकी भी वीडियो का लिंक आपको मिल मिल जाएगा जाएगा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में तो सारे चीज़ चीज़ मटेरियल आपको से सारा चीज आप चेक कर लो ये स्विचेस लगाने के बाद मैं इसे ग्लू स्टिक से चिपका देता हूँ थोड़ा थोड़ा ताकि स्विच को दबाने से या उखड़ेगा नहीं उसके बाद मैं गायज डिजिटल क्लॉक के लेग्स जो है सिगमेंट के वो मैं इंसर्ट कर देता हूँ इस बॉक्स में और उसे भी ग्लू स्टिक से चिपका लेता हूँ उसके बाद गायज इसे हमें शोल्डर कर लेना है और सभी सभीमेंट्स में वायर को कनेक्ट कर लेना है रिबन वायर को उसके बाद हमें एनोड के वायर्स में भी कनेक्ट कर लेना है डॉट एलईडी में भी वायर कनेक्ट कर लेना है और इन सारे वायर्स में मैं मेल हैडर पिन को सोलर कर देता हूँ विथ हिटसिंग ये डिजिटल क्लॉक अब हमारा बन के रेडी हो चुका है और सभी में मैंने में मेल हैडर पिन को कनेक्ट कर दिया है विथ स्लीव देख सकते हो आप यहाँ पर सिंक किस तरह से मैंने कनेक्ट किया हुआ है और सभी में मैंने कनेक्ट कर दिया ताकि इसको मैं कभी बाहर खोल के निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ अब इसको चलाने के लिए इस डिजिटल क्लॉक को चलाने के लिए हमें चाहिए एक अडिनो यूनो और इस अडिनो यूनो से कैसे चलाते हैं कौन से वायर कहाँ पर कनेक्ट करके हमें कौन से कोडिंग करके इसे यूज़ करना है वो आप देख सकते हो इस वीडियो में जो कि अभी आई के बटन में आ रहा है यह वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं इस डिजिटल क्लॉक को चलाने के लिए एक अडीनो यूनो के छोटा भाई को बनाया हूँ ये वाला सर्किट इस वाले सर्किट को बनाने के लिए भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक तो वहाँ से आप जा के देख सकते हो और नहीं तो आई के बटन में भी आ रहा है यह मैं यहाँ पर आई जो यूज़ किया हूँ एट मेगा एट ये का यूज़ किया हूँ यह बहुत ही बढ़िया काम करेगा हडीनो यूनो के जगह को रिप्लेस कर देगा और आइए अब इसके वायर्स को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ सारे इस सर्किट डायग्राम के अनुसार से ये सर्किट डायग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो मैं इन सारे मेल और फीमेल हैडर को कनेक्ट कर देता हूं आपस में ये चार वायर ओवर वन ओवर टू और मिनट वन मिनट टू के मैंने कनेक्ट कर दिया और ये दो वायर हो गया हमारा एलईडी का जो डॉट एलईडी है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने जिस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ उसी प्रकार से इस साइड में मैंने इसको शोल्डरिंग भी किया हुआ है वो सारे वायरिंग्स आपको डिटेल में इस सर्किट डायग्राम में मिल जाएगा तो आप ध्यान से देख करके कनेक्ट कर लेना उसके बाद इधर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ सिगमेंट्स के वायर को सिगमेंट्स का वायर कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा कनेक्ट होगा तो ये चार वायर इसमें कनेक्ट हो जाएंगे तीन वायर इसमें कनेक्ट हो जाएंगे और ये जो है तीन चार हो जाएगा हमारा स्विच वाला एक कनेक्ट कर देता हूँ पावर सप्लाई के स्विच के वायर को गैज इसमें मैं पावर सप्लाई देने के लिए एक चार्जिंग मॉड्यूल को यूज़ कर रहा हूं और दो बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट करके यूज़ कर रहा हूं यहां पर बैटरी मैं सैमसंग का यूज़ कर रहा हूं एकदम ओरिजिनल बैटरी जो कि एक ख़राब लैपटॉप के बैटरी से मैंने इसको निकाला हुआ है ताकि यह जो बैकअप बहुत ही बढ़िया दे दे अच्छा सा बैकअप दे दे इसमें कोई सा भी फेक आउटपुट नहीं देगा इसी के कारण से मैं इन दोनों बैटरीज को पैरल में कनेक्ट करके यूज़ कर रहा हूँ तो इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके वायर्स को इस मॉड्यूल के आउटपुट वायर को भी कनेक्ट कर देता हूँ पॉजिटिव ये हो गया हमारा वॉयलेट का और नेगेटिव हो गया ये वाली वायर उसके बाद ये जो आउटपुट है यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमें कनेक्ट कर देना है इस किट के इनपुट में पावर सप्लाई ये है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक जाएगा पॉजिटिव वाला स्विच के इनपुट में और दूसरा जाएगा हमारा ग्राउंड में तो ग्राउंड वाले को इसमें कनेक्ट कर देता हूँ बस हमारा सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है अब मैं इन सारे को सेटअप कर एक बार मैं चेक करके देख लेता हूँ ऑन ऑफ़ हो रहा है कि नहीं ये ऑन ऑफ वाला इस साइड वाला हो गया ये ऑन ऑफ़ तो हो रहा है अब मैं इन सारे को इस पर सेट करता हूँ ये देखिए इस थ्री प्रिंटेड बॉक्स में भी मैंने यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल के लिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है तो इसको भी इस चार्जिंग मॉड्यूल को डायरेक्ट हमें इसमें इंसर्ट कर देना है इन सारे पार्ट्स को अब मैं ग्लू स्टिक से चिपका देता हूँ सभी पार्ट्स को ग्लू स्टिक से चिपकाने के बाद मैं अब इसको यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ ये देखिए बहुत ही मस्त तरीके से ये सारा हमारा बैठ गया ये कवर अब मैं इसके पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ ये देखिए ऑन हो गया और यह डिजिटल क्लॉक ऑन होने के बाद यह ब्लिंक कर रहा है लेकिन ब्लिंकर में आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस जो है ये डॉट एल में है तो इस ब्राइटनेस को कम करने के लिए इस इन सारे के इक्वल में करने के लिए मैं 220 ओम के रजिस्टर को इसके सीरीज़ में कनेक्ट कर दूंगा डॉट एल के पॉजिटिव में 220 ओम के रजिस्टर को हमें कनेक्ट कर देना है सीरीज़ में अब देखिए रजिस्टर को कनेक्ट करने के बाद इसका भी ब्राइटनेस उसी लेवल में जलने लगा है इस बॉक्स के चारों साइड में हमें स्क्रूज को लगा देना है यहाँ पर मैं जिप्सम स्क्रूज हाफ इंच के यूज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से छोटे छोटे हैं या बहुत ही अच्छा लगेगा इसको लगा देने के बाद इस डिजिटल क्लॉक में हमें इस साइड से चार्जिंग लगाना है यहाँ पर माइक्रो यूएसबी जैक को मैंने इसमें लगाया और ये देखिए चार्जिंग हो रही है इसकी बैटरी जब इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे ब्लू कलर की एलईडी जलेगी यहाँ पर मैं एक होल्ड भी किया हूँ आइए अब हम इसमें टाइम को सेट करते हैं ये देखिए ये वाला बटन है हमारा पावर ऑन ऑफ का ये ऑन ऑफ हो रहा है और ये वाला है हमारा एक बार होल्ड करके रखने के बाद इन दोनों से हम ऑवर चेंज कर सकते हैं और एक मिनट चेंज कर सकते हैं तो आइए अब चेंज करके दिखाता हूँ ये ऑन हो गया उसके बाद ये देखिए ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से डिजिटल क्लॉक हमारा शो करेगा मैं सारी लाइट्स को बंद करके दिखाता हूँ सेट करके <coughs> उसके बाद हमें इस वाले बटन को एक बार प्रेस करना है और सारी एल जल जल जाएगी और इस वाले बटन को प्रेस करने पे हमारा मिनट चेंज होगा दो तीन चार अब कितना टाइम हो रहा है ग्यारह उनसठ फिफ्टी नाइन एट फिफ्टी नाइन और ग्यारह हो रहा है सिट हो गया, सात आठ नौ दस ग्यारह टाइम सेट होने के बाद एक बार हमें इस वाले बटन को प्रेस कर देना है और ये देखिए टाइम हमारा सेट हो चुका है अब वेट करते हैं ग्यारह उनसठ के बाद बारह बजने का देख सकते हो अभी 12 बज चुका है इस घड़ी से और यह घड़ी बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है लुक में भी बहुत ही बढ़िया बना है गाइज यहाँ पर मैं ब्लैक कलर के इसके बेस को प्रिंट किया हूँ आप कोई से भी कलर को प्रिंट कर सकते हो और यह बहुत ही बढ़िया है कोई सा भी टेबल में इसको रख सकते हो गाइज़ आने वाली वीडियोज़ में मैं इस डिजिटल क्लॉक को अपडेट ज़रूर करूँगा इसमें मैं अलार्म लगाऊंगा आर मॉड्यूल लगाऊंगा जिससे कि पावर ऑन ऑफ करने के बाद टाइम हमें बार बार सेट ना करना पड़े तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइज वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बाय गाइज मिलता हूँ सीधे नेक्स्ट वीडियो में